हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। अगर आप भी करना चाहते हैं अपने सपनों का साकार, तो ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास, जिसमें आपको दी जाएगी कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग विथ लाइव प्रोजेक्ट। तो जिसके लिए आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर, और वहां से लॉगिन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से क्लिक करके आप सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपना बैच चूज कर सकते हैं, अपना सीट अलॉट कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने व्यू चाइल्ड का देखा था यूजिंग डायरेक्टिव, और उससे पहले हमने यूजिंग कंपोनेंट देखा था, मींस कि हम कंपोनेंट के साथ और डायरेक्टिव के साथ कैसे व्यू चाइल्ड को यूज करते हैं हमने देख लिया, और अच्छे से हमने डिटेल्स में देखा, कोडिंग करके प्रैक्टिकल करके देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर विजिट कर लें, ताकि आपका व्यू चाइल्ड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज जो वीडियो दोस्तों लेकर आए उसके ये उसी का पार्ट है। इसमें हम टेम्पलेट वेरिएबल के साथ काम करेंगे व्यू चाइल्ड को, राइट, मींस कि व्यू चाइल्ड हम यूज करेंगे टेम्पलेट वेरिएबल के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, व्यू चाइल्ड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि टेम्पलेट वेरिएबल जो होता है उसको हम पास कर देते हैं एज ए आर्गुमेंट, राइट राइट आर एंड दिस वे कंपोनेंट विल बी एबल टू चेंज द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन टेम्पलेट वेरिएबल, राइट। मींस इसमें दोस्तों हम करते क्या है कि जो हमारा टेम्पलेट वेरिएबल होता है उसके नेम को एज ए आर्गुमेंट हम व्यू चाइल्ड में पास कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जिसे ही पास करेंगे उसे वो नेम हमारे कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पर हमें एक्सेस हो जाएगा, और उसमें जो भी हम स्टाइल पास करेंगे वो हमारे उसके अकॉर्डिंग हमारे टेम्पलेट के व्यू को चेंज कर देगा। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल करके, राइट। और ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और आपके कोडिंग में आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी शेयर करेंगे और अब हम आपको उसका कोड प्रोवाइड कर देंगे, राइट। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में हमारा जो वेबसाइट आ जाएगा तो हम अपने इन सारे कोड को वेबसाइट पर रखेंगे, आप वहां से इजीली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आ जाएगा हम आपको बताएंगे, और सारे वीडियो में हम अपने वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, राइट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हम प्रैक्टिकल करते हैं, चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट जहाँ पर हमने पिछले दो वीडियो का प्रैक्टिकल किया था, मींस कि व्यू चाइल्ड यूजिंग कंपोनेंट एंड व्यू चाइल्ड यूजिंग डायरेक्टिव, उसका क्या आउटपुट आया था, मैं एक बार उसको दिखा देता हूँ आपको। ये जो ऊपर का जो ये दिख रहा है इतना पार्ट, ये व्यू चाइल्ड यूजिंग कंपोनेंट का था, जिसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, काउंटर को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे। आप उसको देखेंगे तो आपका कोड इसका मिल जाएगा, वहां पर देख सकते हैं अच्छे से। और दूसरे वीडियो में हमने व्यू चाइल्ड यूजिंग डायरेक्टिव देखा था, तो इसमें हम कलर चेंज कर रहे थे, जैसे इसका कलर रेड आ रहा है बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया था, जैसे ग्रीन करेंगे ग्रीन हो जाएगा, ब्लू करेंगे ब्लू हो जाएगा। तो ये सारे जो जो मेथड है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट पर मेथड को हम एक्सेस कर पा रहे थे। तो ये सारी चीजें पिछले वीडियो का है, बस हमने आपको रिमाइंड कराया कि इस तरीके से हमने यूज किया था, राइट। और आज हम बात करेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के लिए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर पहले हम इसको क्लियर करेंगे, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जिस कंपोनेंट पर हम उसको यूज करके देखेंगे, राइट। तो कंपोनेंट क्रिएट करने का क्या होता है दोस्तों, ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, और एक हम थीम नेम से कर लेते हैं, राइट। थीम हमने रख लिया, और दोस्तों जैसे ही इंटर हिट करेंगे कंपोनेंट क्रिएट होगा, उसमें चार फाइल क्रिएट होते हैं जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार फाइल क्रिएट हो चुका है, और ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल को ये अपडेट कर देता है, राइट। तो यहाँ पर थीम नेम से कंपोनेंट क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर एचटीएमएल और टीएस फाइल आ गया है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, थीम डॉट कंपोनेंट एचटीएमएल पेज पर जाएंगे, राइट, और इसको हटाएंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम डिलीट कर देंगे इसको, और इसमें लिखेंगे H3 में लिख लेंगे, राइट। और यहाँ पर लिखेंगे कि एग्जाम्पल डैश लिख लेंगे यू व्यू चाइल्ड, ताकि हम जब रन करें तो पता चले व्यू चाइल्ड यूजिंग
टेम्पलेट, रेफरिएबल, राइट। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, डिव लेंगे, और डिव के अंदर दोस्तों हम दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, राइट। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं किसके लिए है, नेम, राइट। और यहाँ पर हमने लिया इनपुट टाइप, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे, राइट। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वी आर। और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल माने इसका सेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल सेट करने के लिए क्या होता है, हैश, और यहाँ पर नेम रख लिया। मीन्स कि इस टेक्स्ट बॉक्स का हमने एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल रखा, राइट। और एक और हम रखते हैं यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर हमने लिख लिया स्टेट, राइट। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया, राइट। मीन्स कि दो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिया, इसको हम एक्सेस करेंगे व्यू चाइल्ड के थ्रू, कहाँ पर, हम टीएस फाइल पर, राइट। तो उसके लिए हम चलते हैं टीएस फाइल पर, और उसके अकॉर्डिंग जहां वहां पर हम जो सेट करेंगे दोस्तों, जो भी हमारा कलर होगा, उसका बिहेवियर स्टाइल्स, तो उसका इफेक्ट आएगा यहाँ पर, राइट। तो चलिए चलते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर थीम डॉट कंपोनेंट टीएस फाइल पर चलते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे सबसे पहले हम व्यू चाइल्ड को, राइट। उसके बाद हम रखेंगे एलिमेंट रेफ को, उसके बाद हम आफ्टर व्यू चाइल्ड, आफ्टर व्यू इनिट को, राइट। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे हम आफ्टर आफ्टर व्यू को, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एट द रेट व्यू व्यू चाइल्ड, राइट। और इसके अंदर दोस्तों हम पास करेंगे किसको, यहाँ से HTML से उठाएंगे इस रेफरेंस के जो नेम है, राइट। इसको नेम को पास कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर EL नेम, राइट। और इसको किस टाइप का बनाएंगे दोस्तों, हम एलिमेंट रेफ टाइप का, राइट, एलिमेंट रेफ, राइट। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगल क्विटोज के अंदर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नेम एज ए टेस्ट टाइप लिया हमने, सिंगल क्विटोज के अंदर रखेंगे हम इसको, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर नीचे एक और व्यू चाइल्ड लेंगे, राइट। और इसमें हम पास करेंगे दोस्तों सिंगल क्विटोज के अंदर, इसमें जो हमारा स्टेट है, स्टेट को पास कर लेंगे, राइट। मींस कि हम वेरिएबल पास कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एल स्टेट, और यहाँ पर हम इसको भी रख लेंगे EL रेफ, एलिमेंट रेफ टाइप का, राइट। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे ng view init का, राइट। और इसमें हम अपना जो भी बनाना है, हमारा स्टाइल और कलर डालना है, वो डालेंगे यहाँ पर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम कि दिस, यहाँ पर दिस डॉट, वन सेकेंड, दिस डॉट EL नेम डॉट नेटिव क्लाइंट डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में हम डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर, मान दोस्तों हम डाल दिया ब्लैक, राइट। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड है वो ब्लैक आएगा, राइट। और यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद हमने लिखा दोस्तों कि दिस डॉट EL नेम डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर, राइट। तो जो कि मीन्स कि जो लिखा हुआ आएगा उसको हम रख लेते हैं दोस्तों व्हाइट, राइट। यहाँ पर
और इसी को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ पर फिर अगले के लिए दिस डॉट रियल एस्टेट डॉट नेटिव डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, हमने क्या कर दिया यहाँ पर सियान रख लिया, अलग अलग से रखेंगे तब आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, राइट। और फिर हम लिखा यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट नेटिव डॉट स्टाइल डॉट कलर, राइट। और इसमें हमने रख दिया रेड, राइट। अब आप हम इसको रन कराएंगे, एनजी सर्व करेंगे, उसके बाद आपको दिखेगा कि किस तरीके से हमने क्या किया कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को हमने दोस्तों क्या किया, व्यू चाइल्ड के थ्रू हम एक्सेस कर लिया यहाँ पर। मींस कि हमारा क्या है यहाँ पर, आप यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हमने लिया और इसको हमने व्यू चाइल्ड के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास किया और इसका हमने वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल पर जो हम स्टाइल और जो भी कलर सेट कर रहे हैं दोस्तों उसका इफेक्ट हमारे व्यू पेज पर पड़ेगा। मीन्स कि हम बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक कंसेप्ट है व्यू चाइल्ड का यूज करने के लिए टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के साथ, राइट। तो चलिए इसको एनजी सर्व करते हैं, उसके बाद इसका इफेक्ट दिखेगा आपको ब्राउजर में। एनजी सर्व किया हमने, इंटर हिट किया, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। तो दोस्तों ये कंपाइल हो चुका है, सबसे उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो इसका सिलेक्टर है इसको हम कहाँ रखेंगे, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल पर, तभी ये दिखेगा क्योंकि यही सबसे पहले लोड होता है। यहाँ पर हम इसको रखेंगे, राइट। यहाँ पर हम इसको ये लिखे और टैप किए, अब यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर हम बीआर लगा लेते हैं ताकि नीचे दिखे, राइट। अब इसको सेव करेंगे, उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पर ये यह आ चुका है, यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर नहीं आ रहा है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो। हाँ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, एन होगा, राइट, यहाँ पर एन होगा। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, फिर ब्राउजर में देखेंगे, यहाँ पर देखिए कलर आ चुका है, ये ऊपर, ये जितना ऊपर, ये सारे पिछले वीडियोज का आउटपुट है और ये यहाँ से इसका, इस वीडियो का आउटपुट है। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड अपने आप ब्लैक हो गया है और यहाँ पर सियान आ रहा है, इसमें हमने लिखेंगे तो व्हाइट में लिखना चाहिए देखिए, और इसमें हम लिखेंगे तो रेड में लिखेगा, राइट। मीन्स कि इस तरीके से हम यूज करते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को व्यू चाइल्ड के साथ, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं व्यू चाइल्ड के साथ। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।